तो भाइयों, ये वीडियो में आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और फाइट अपडेट है जिसको सुन के आपका दिन बन जाएगा। मेरे को तो काफ़ी खुशी हुई है ये फाइट अपडेट फाइनली सुन के। आप सब ने मुझसे बहुत बार पूछा है कि उस्मान नर्मागोमेडोव की बेलेटोर में कब से फाइट होने वाली है, नेक्स्ट फाइट कब होगी उनकी, क्योंकि हम सबको पता, देखिए बेलेटोर के लाइट वेट चैंपियन उस्मान नर्मागोमेडोव है और अभी उन्होंने बेंसन हेंडरसन को कुछ 10 महीने पहले हराया था बेलेटोर 292 में। भाइयों, आज बेलेटोर का एक इवेंट था, बेलेटोर 296, और उसमें जो उनके लाइट वेट डिवीजन का जो टूर्नामेंट चल रहा है, अभी आपको समझाऊंगा वीडियो में कि ये टूर्नामेंट क्या चीज है। तो इसमें यहां पर जो अगला ओपोनेंट फेस करने वाले हैं उस्मान नर्मागोमेडोव, वो होगा ब्रेंट प्राइमस। तो भाइयों, अब आप सबको एक्सप्लेन करता हूं कि ये लाइट वेट टूर्नामेंट क्या है बेलेटोर का। देखिए, यूएफसी के अंदर हम फाइट्स देखते हैं कि एक फाइट बनाई गई, रैंकिंग्स के थ्रू फाइट होती है, बट ये बेलेटोर और पीएफएल जैसे जो दूसरी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक लाइट वेट टूर्नामेंट टाइप्स कराती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें स्टार्टिंग होती है 6 बंदों से या 8 बंदों से, और वो आपस में दो दो के पेयर्स में होते हैं और उनकी फाइट होती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं जो ये टूर्नामेंट की स्टार्टिंग फाइट थी, उसमें बेंसन हेंडरसन और उस्मान नर्मागोमेडोव की फाइट हुई थी, जहां पे उस्मान नर्मागोमेडोव ने बेंसन हेंडरसन को हराया और अब वो सेमीफाइनल्स में प्रोसीड आउट कर गए थे। लेकिन आप सब ने मुझसे पूछा था कि अब सेमीफाइनल्स में इसकी किसके साथ फाइट होगी उस्मान की, तो उस समय मैं आप सबको इसलिए नहीं बता पा रहा था क्योंकि उस समय जो दूसरा सेमीफाइनलिस्ट का मैचअप था वो उस समय हुआ नहीं था, वो आज हुआ ब्रेंट प्राइमस के साथ मैच हुआ, मंसूर बर्नोई का, और उसमें ब्रेंट प्राइमस ने बर्नोई को हरा दिया और ब्रेंट प्राइमस ने यहां पर बर्नोई को 5 राउंड की यूनैनिमस डिसीजन से हरा दिया और अब वो क्वालिफाई कर गया है सेमीफाइनल्स के लिए, जहां पर वो फाइट करेगा उस्मान नर्मागोमेडोव से सेमीफाइनल्स में। और सेम फाइट आप यहां पर भाइयों देख सकते हो कि जैसे कि यहां पर सेमीफाइनल्स का मैच अभी कंफर्म हो चुका है उमर नर्मागोमेडोव और ब्रेंट प्राइमस के बीच में, सिमिलरली यहां पर अलेक्जेंडर शावली ने जिन्होंने तौफीक मुसायफ को हराया था ये लाइट वेट ग्रैंड प्री वाले मैचअप में, तो वहां पर ही देख सकते हैं कि यहां पर अभी अलेक्जेंडर शावली का अगला अपोनेंट कंफर्म नहीं है। वो अपोनेंट कौन होगा, वो एजे मकी और पेट्रिकी पुटबिल वाले मैच के विनर के साथ, जो भी विन करेगा उस मैच को वो अलेक्जेंडर शावली से फाइट करेगा यहां पर। तो देख सकते हैं पूरी तरीके से एक रॉबिन राउंड टूर्नामेंट टाइप कराते हैं ये, और ये पूरा नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, इसमें अगर आपने एक भी फाइट हारी तो आप हार जाओगे। यूजुअली ऐसा क्या होता है बेलेटोर के जो ये लाइट वेट टूर्नामेंट होता है, इसमें क्या होता है, जो भी लाइट वेट की जो बेल्ट होती है, जो फाइनल्स में जीतता है, उसको ये वाली बेल्ट दी जाती है। बट ऑब्वियसली हम देख सकते हैं यहाँ पर उस्मान नर्मागोमेडोव ऑलरेडी चैंपियन है, तो वो यहाँ पर जितने भी फाइट्स कर रहे हैं ये सारी उनकी टाइटल डिफेंसेज में काउंट होगी। और रही बात इनकी सेमीफाइनल की फाइट ब्रेंट प्राइमस के साथ कब होगी, तो उसका अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं है, लिटरली आज ही फाइट हुई है, आज ही ये सेमीफाइनल्स की तरफ गए, तो मोस्ट प्रोबेबली कन्फर्म तो ये हो जाता है कि हाँ इनकी फाइट होगी, लेकिन अभी डेट कन्फर्म करना अभी पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। कुछ दिनों बाद इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी, ऑफिशियल फाइट अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन फाइट इनके सेमीफाइनल्स में उमर नर्मागोमेडोव की ब्रेंट प्राइमस के साथ ही होगी, ये बिल्कुल श्योर है। ये वाला जो फाइटिंग का जो लेआउट होता है, ये जो स्ट्रक्चर है बेलेटोर पीएफएल जो इसको फॉलो करते हैं टूर्नामेंट टाइप, इसका अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। फायदे इसके यही है कि आपको पहले से पता चल जाएगा किस किस की फाइट हो सकती है वगैरह वगैरह। इसका नुकसान ये है कि बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि बहुत लंबे लंबे गैप्स में फाइट होती है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी को इंजुरी वगैरह हो गई तो वहां पर फिर बेल्ट वेकेट करने का और उसको फिर आगे का बहुत इशू हो जाता है, तो ये सारी चीजें भी होती हैं इसके साथ इन्वॉल्व। तो अब आप सब मेरे को बताइएगा कि ये जो बेलेटोर का ये जो लाइट वेट का टूर्नामेंट टाइप्स जो ये कराती है, क्या ये यूएफसी में भी करवाना चाहिए, या यूएफसी जो इंडिविजुअल फाइट्स बुक करती है रैंकिंग्स के, उस पर आप यूएफसी को वैसे ही कंटिन्यू करके रखना चाहिए। जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।